प्रभु का वचन जो है वो हमारे जीवन में काम कर सके। प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करता है प्रियो, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हालेलुया। जब हमारे दिल में प्रभु का वचन आता है, जैसे हम गोली लेते हैं, टैबलेट्स, टैबलेट लेने के बाद में जो काम होता है वही काम है ये प्रभु का वचन, एकदम असर दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारी बहन बीमार थी और जो है उसने सारा शरीर दर्द हो रहा था और उन्होंने क्रूसिन ली, वो प्रेज द लॉर्ड एकदम ठीक हो गई, वो पहले दर्द वगैरह सब खत्म हो गया, वो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज यही है जो है प्रभु के वचन की क्रूसिन है। हालेलुया, इसमें आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप, मैं चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान देके प्रभु का वचन सुने, है ना। प्रभु का वचन बड़ा ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता है। अगर आप नोट कर सकते तो नोट भी करिए। आज का वचन इतना इंटरेस्टिंग है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण लोगों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई, लोग क्या कहने लगे, लोग कुछ खुश हुए, कोई दुखी हो गए, कोई डर गए, कोई बहुत आनंदित हुए। और आज आप आनंदित हुए इसलिए प्रभु के भवन में आए हो, और इसलिए हालेलुया आप तो उन लोगों की गिनती में हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण आनंदित हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की प्रतिक्रिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म लिया उसके बाद में कौन से असर हुए, क्यों कौन सी बातों का असर हुआ, ये आज हम देखने जा रहे हैं। पहली बात जो है हम देखेंगे कि शैतान डर गया, शैतान डर गया, शैतान जो है वह स्वस्थ हो गया, बेचैन हो गया। ये कैसे करे, पहले तो उसने प्रभु यीशु मसीह के परिवार को तोड़ने की कोशिश करी, प्रभु यीशु मसीह के परिवार को तोड़ने की कोशिश करी। पढ़ेंगे उस वचन को, मत्ती उसके पहला अध्याय और 18 वचन। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जबकि उस जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब इन बातों की सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो प्रभु यीशु मसीह जब जिस उस कुंवारी मरियम के पेट में जब आए, तब यूसुफ को लगा, भैया ये किसका बच्चा है रे, ये मेरा तो बच्चा नहीं है। फिर उसने क्या किया कि इसको मैं त्याग दूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, और वो इन बातों के सोच ही रहा था वो। अब यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहां पे यूसुफ के बारे में लिखा है वो धर्मी था, पवित्र था, धर्मी था, और उधर मरियम भी धर्मी थी, पवित्र थी। धर्मियों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो फिर जो है यीशु मसीह के माता पिता अलग अलग होने वाले। उतने में पवित्र परमेश्वर यहोवा देखता है और वो एकदम स्वर्गदूत से स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां पे आने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालांकि यूसुफ ने उसे पूछना चाहिए था, भाई मरियम क्या बात है, ये बच्चा किसका है, हमारे घर भी तो कुछ हुआ नहीं, शादी नहीं है, मंगेतर है तू तो। और मरियम भी बोल देती, मरियम भी शांत और यूसुफ भी शांत, और इसका फायदा शैतान खा रहा था कि घर तोड़ने की कोशिश। इसलिए अपने पति पत्नी के साथ हमेशा बात करो, अपने परिवार के साथ हमेशा बात करो, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है, एक दूसरे को बताओ, एक साथ मिलके प्रार्थना करो, हर रोज मिलके प्रार्थना करो, और परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा और घर टूटने से बचेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बुरी अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो क्या होता है, तो वह पाप को जन्म देती है। बुरी अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। इसलिए अपने मन में कोई भी किसी के बारे में कोई भी ऐसी बुरे मिसअंडरस्टैंडिंग और बुरी अभिलाषा आने मत दीजिएगा। हालेलुया। और उसको क्लियर करिएगा। हालेलुया, कितनी खुशी की बात। पहली बात की जो है शैतान जो है परेशान हो गया, और ये तो पहला शैतान का हमला था। दूसरा हमला जो है वो
हेरोदेस के द्वारा शैतान ने लाया। बाइबल में लिखा है मत्ती दूसरे अध्याय का पहले वचन, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैथल्ले में यीशु मसीह का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने उसका पूर्व में तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर देखो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, वो डर गए। यीशु के जन्म के कारण उनको आनंदित होना चाहिए था लेकिन वो क्या हो गए, डर गए। डर की आत्मा ने उनको आके पकड़ा। क्यों डर आ गए? दूसरा राजा पैदा है, कहीं ये बड़ा होकर मेरी गद्दी को छीन ना ले। और ऐसा डर उसके मन में आ गया और वो डर गया और राजा फिर परेशान हो गया। परमेश्वर के लोगों, हम देखते कि ये हेरोदेस राजा जो है बाइबल में एक शैतान का रूपक है, शैतान का रूपक है ये हेरोदेस राजा। और इस हेरोदेस राजा ने हम देखते कि जो है वो जो डर गया, फिर उसने दूसरा उसका स्टेप क्या थी, उस राजा की खोजबीन करना शुरू कर दी उसने कि कहां है वो राजा, कहां पे उसका जन्म हुआ है। उसने क्या कर दिया, उसने सारे महायाजक और शास्त्रियों को ऑर्डर दी और उनको इकट्ठा करके पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। और उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां होना चाहिए, यहूदा के बैतलहम में। और फिर बाद में जो है वो ज्योतिषियों को कहता है कि तुम जाओ और उसका दर्शन लेके आओ, मुझे बताओ कि वो राजा कहां जन्मा है, क्योंकि मैं भी उसे प्रणाम करने के लिए आना चाहता हूं। वो प्रणाम करना चाह रहा था क्या? नाटक था उसका सारा, ये वो तो यीशु मसीह को मारना चाह रहा था। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग जो है उनके मन में परमेश्वर के प्रति कोई प्रणाम करने की भावना नहीं है, उनका नाटक होता है नाटक, और उनके मन में कुछ और कल्पना होती है और वो सिर्फ दिखाते हैं कि मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं। परमेश्वर के लोगों, यहां पे हम देखते कि कैसे वो हेरोदेस नाटक कर रहा है और हालांकि उसके मन में यह है कि मैं उस जो है राजा को मार डालूंगा। हालांकि लेकिन परमेश्वर पिता का साया, परमेश्वर पिता की सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह छोटे बालक पर थी, इसलिए वो हेरोदेस उसको मारने नहीं पाया। वो क्या करता है, उसको खोजने की शुरू करता है, नाटक करने का जो है प्रणाम करने का नाटक करता है। और फिर बाद में वो मत्ती दूसरे अध्याय का 16 वचन में लिखा है, जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। ओह माय गॉड, 2 वर्ष से छोटे बच्चों को सबको मरवा डाला। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान आता है उगा के लिए चोरी हार नाश। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया था कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। बहुत आयत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में आए। लेकिन शैतान को अगर मौका दे, मतलब शैतान को मौका देना मतलब पाप को मौका देना, शैतान को मौका देना मतलब व्यभिचार को मौका देना, शैतान को मौका देना मतलब जो है लालच करके किसी की चीज जो है हड़प लेना। इसका मतलब शैतान को आप मौका दे रहा है, दे रहे हैं कि आपके जीवन में आके चोरी करे, घात करे और आपका नाश करे। और यहाँ पे हेरोदेस के अंदर शैतान समा गया और उसको लगा कि वहां पे जो रह रहे हैं ना उनमें से एक राजा है, सबको मार लो, राजा भी मर जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मम्मी पापा को यूसुफ को एकदम जो है दर्शन आता है, उठ यूसुफ और जो है मिस्र देश में जा, क्योंकि इस पुत्र को मारने के लिए हेरोदेस राजा तैयारी कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, आपके बच्चों को भी प्रभु ऐसा बचाएगा, आपके जीवन को भी प्रभु ऐसा बचाएगा। उसने हमको महामारी से बचाया, उसने हमें कितने एक्सीडेंट से बचाया, उसने हमें कितनी परेशानियों से बचाया। हालेलुया, आज हालेलुया मैं मर नहीं पाता, इसका मतलब परमेश्वर ने हालेलुया मेरे ऊपर अपना बाड़ा बांध के रखा है। आप मर नहीं पाते हो, प्रभु ने आपको जिंदगी दी है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांधा है। हालेलुया, परमेश्वर का ये सपना था कि
एक प्रदीप नाम का व्यक्ति इस दुनिया में आए और प्रभु का सपना पूरा हुआ मेरे इस दुनिया में आने के द्वारा। परमेश्वर की एक सपना था कि आप व्यक्ति हर एक जन हालेलुया इस दुनिया में आए, और इसलिए प्रभु के सांस के द्वारा प्रभु की हालेलुया निर्मिति जो आप है हालेलुया आप इस दुनिया में आए। लेकिन फिर भी शैतान कहता है अरे तेरा जीवन बेकार है, अरे तू आत्महत्या कर ले, अरे तू मर जा, अरे तू ऐसा, अरे तू ऐसा। क्यों ऐसा नहीं है? आज आपका जीवन बहुत बहुत बहुमूल्य है। बाइबल में यशायाह में प्रभु कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हेरोदेस अपना जो है जबरदस्त रीति से काम करता है, मरवा डाला। रामाक में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और शांत ना होना चाहती थी क्योंकि वे है नहीं। इसलिए भी शैतान के हाथ में अपने बच्चों को मत दो, उनको हर रविवार को प्रभु के भवन में लाओ, हर रविवार को उनको प्रभु के भवन में ला के उनको योग्य शिक्षा दो। उनको योग्य शिक्षा दोगे बचपन में ही, अगर बच्चे प्रभु की बातों में बढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है हालेलुया बचपन में सीखा तो बुढ़ापे में भी उसको नहीं भूलेगा और प्रभु के वचनों को पकड़ा रहेगा और प्रभु की आशीष आएगी। मैंने एक जो है चर्च में एक बहन है और उसको मैंने बताया कि जो है आपका पति जो है ड्रग्स का काम कर रहा है। मैंने कहा बहुत जल्दी पुलिस आएंगे उसको उठा के ले जाएंगे। फिर मैंने उससे बात करी, मैंने कहा ब्रदर आप जो है ये सब काम छोड़ दो और प्रभु तुम्हें बुलाता है, तुम पहले चर्च में आते थे ना? बोले हाँ आता था। मैं क्यों आना छोड़ दिया? आपने गलत रास्ता अपनाया है, छोड़ दो वो सब चीजें, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको दूसरा काम दिलाऊंगा, मैं हम कुछ ना कुछ दूसरा काम करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है पास लाएंगे, हाँ हाँ बस रहा बस। लेकिन क्या हो गया कि वो उसने छोड़ा नहीं वो काम, आज उसको एकदम क्राइम ब्रांच के लोग आके उसको जेल में डाल दिए। वो रो रही है बहन, हमने प्रार्थना की उनके लिए, मैंने कहा कि अभी भी प्रभु परमेश्वर मौका दे रहा है हालेलुया। तो जो है चोरी घात और नाश करने के लिए शैतान आता है, शैतान आता है कि हम जेल में जाए, शैतान चाहता है ताकि हम हॉस्पिटल में रहे, हम ऐसे चर्च में ना आए, ऐसे शैतान चाहता है। लेकिन शैतान के सारे मनसूबे को तोड़कर आप प्रभु के भवन में आ गए हैं और प्रभु ने आपको विजय दिया है। ताली बजा अपने लिए। अच्छा इस सारे हेरोदेस के बातें हैं, ये सब चीजें, ये सारे बच्चे मरते नहीं अगर ये ज्योतिषी लोग जो है हेरोदेस के जो है महल में जाते नहीं। वो प्रभु को प्रणाम करने के लिए जा रहे थे, बड़े खुशियों के साथ जा रहे थे। इससे हम कुछ बात सीख सकते हैं ब्रदर, और वो ये कि अपनी खुशी कभी भी दुष्ट लोगों के साथ कभी भी जो है साझी ना करना। अपनी खुशियां, मुझे घर मिल रहा है, मेरी शादी हो रही है, मेरा मुझे जॉब मिल रहा है, लोगों की नजरें इतनी बुरी है कि उनकी नजरों में एक जो है जलन है, एक क्रोध है, एक कपट है, एक शत्रुता है कि आपकी अच्छाई उनसे देखी नहीं जाती। और साक्षात शैतान उनके आंखों में आके आपकी चीजों को जो है वो हर लेने की कोशिश करना चाहता है। बाइबल में राजाओं में से वो किताब लिखा है कि एक राजा ने अपनी सारी धन संपत्ति उन दुष्ट लोगों को आके दिखाई और प्रभु परमेश्वर ने फिर ऐसा चमत्कार किया। प्रभु ने कहा ऐसा कर दिया तुमने, अभी तेरे ये भी धन संपत्ति कुछ भी नहीं रहेगी। अब वो सारा का सारा जो है उसका उन्हीं लोगों ने आके जो है उठा लिया वो सारा माल परमेश्वर के लोगों। इसलिए अपनी खुशियां आप अगर साझी करोगे तो विश्वासियों के साथ साझी करो जो प्रभु के लोग है हालेलुया, जिनके अंदर जो जलन नहीं है, कुड़न नहीं है, जिनके अंदर जो कोई पाप नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, जो आपकी खुशी में आनंदित हो सकते हैं, वो एक 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 ही प्रकार के लोग है, वो है यीशु मसीह के लोग। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम सीख सकते हैं। चलो ठीक है, हमने हेरोदेस को बहुत सारा टाइम दे दिया, इसलिए टाइम दिया क्योंकि हमें ऐसे लोगों से बचना है अपने जिंदगी में। प्रियो अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण कुछ लोग आनंद भी तो हुए हैं। हम लोग आनंदित, कौन कौन आनंदित हुआ है? ओह माय गॉड प्रेज द लॉर्ड, हम सब आनंदित हुए, वेरी गुड। प्रभु ने आपके हाथ देख लिया है और वो आपके कारण और आनंदित होगा, आपको दीर्घायु करेगा। लेकिन धर्मी लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी हम देखेंगे। पहली बात हमने देखा हेरोदेस और शैतान और सब चीजें, अब हम शैतान को बंद कर देंगे, वो हमारे पैरों के नीचे है वो, हालेलुया, उसको डरना नहीं है। दूसरी बात धर्मी लोगों की प्रतिक्रिया,
हेरोदेस तो कहे तो रहा था कि मुझे दर्शन चाहिए लेकिन दर्शन नहीं मिला, वो मरते तक दर्शन यीशु मसीह का मिला नहीं और वो मर गया। फिर जो है यीशु मसीह फिर से उस जो है देश में आए। अभी हम देखेंगे जो पवित्र लोग थे उन पवित्र लोगों के लिए उसमें उनमें से एक शिमोन नाम का व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाए। वे लोग जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो शिमोन एक नाम का व्यक्ति था। उस शिमोन के बारे में बाइबल बहुत सुंदर रीति से बताती है कि कैसे वो शिमोन प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। लूका दूसरा अध्याय 25 वचन, और देखो यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था और वो धर्मी, वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। क्या नाम उसका? धर्मी और उसका नाम था शिमोन, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। देखो शिमोन नाम का व्यक्ति था, पहली बात वो धर्मी था, दूसरी बात वो भक्त था, तीसरी बात वो इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और चौथी बात वो पवित्र आत्मा उस पर था, और पांचवी बात ये थी कि पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। आज वही बात प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर की आत्मा ने आपको बोली है कि जब तक तू उद्धार ना प्राप्त करे, जब तक तू बपतिस्मा ना ले, तब तक तुझे मौत नहीं है। तुझे जब तक तेरा नाम स्वर्ग की किताब में ना लिखी जाए तब तक तुझे मौत नहीं है, तब तक तू जी। हालेलुया। भरपूर प्रभु की सेवा कर, आराधना कर, तेरे बच्चे हो, तेरे बच्चों की भी शादी हो, तेरे नाते पोते भी तू देख नहीं पाए, तेरी आशीष है तेरे ऊपर आए, परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर आए। हालेलुया। मैं ना मरूंगा वर जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा। मेरे बच्चे बोलिए, मैं ना मरूंगा वर जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वर जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन क्लेम करना है और प्रभु आशीष देगा। हमने हमारे तो खानदान में 38 साल में लोग मर जाते थे। हम तांत्रिक लोग थे, तंत्र मंत्र करते थे, 38 साल में लोग मर जाते थे हमारे खानदान में। लेकिन जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मेरे पापा अभी पिछले साल मर गए और वो 101 साल हो के मर गए। हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चा होता था, मेरे पापा को पूरे आधा दर्जन बच्चे हो गए, श्राप चला गया। मुझे 3 बच्चे हो गए, श्राप चला गया। अब जो है हमारे खानदान के 6 बच्चे 38 साल से ऊपर हो गए हैं। हालेलुया। सारा श्राप चला गया। प्रेज द लॉर्ड। यस। उसको यहाँ पे शिमोन के बारे में बताया गया था कि जब तक, हालेलुया, वो प्रभु को ना देख ले तब तक मृत्यु को ना चखेगा, जब तक यीशु को ना देख ले। और बाइबल में लिखा है 27 वचन, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक को यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के अनुसार करे, तो उसने यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास के वचन के अनुसार, दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या उसने रखा? उद्धार। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर के लोगों जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो खुशी से कह सकते हैं कि मुझे उद्धार मिला है, मैंने पापों से क्षमा पाई है, मैंने सारे अधर्मों से मुझे माफी मिली है, क्योंकि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। और इसलिए मुझे नजात मिली है, छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा मिली है। कितनी खुशी की बात प्रियो। आज यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और वो खुश होकर चला गया प्रभु के गोद में। वो कैसे आया तो परमेश्वर के मंदिर में? आत्मा के सिखाए, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया था कि प्रभु के भवन में जाओ और वहां पे तुम्हें प्रभु यीशु का चेहरा मिलेगा, वहां पे तुम्हें प्रभु यीशु का दर्शन मिलेगा। यहाँ पे कितने लोगों को दर्शन मिला है, बार बार यीशु मसीह दर्शन देता रहता है। जीवन नगर ख्यालपुरी चर्च में कितने लोगों को दर्शन दिया। पिछले हफ्ते में ज्ञानमती सिस्टर है और उनको एकदम प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दिखा। डेविड बजा रहे हैं और उनके साथ जो है स्वर्गदूत खड़े हैं, उन्होंने देखा और वो जाके जो है अपने पति को बता रही घर में। आपको पता है डेविड के साथ मैंने ना कोई स्वर्गदूत खड़े हुए देखे, और वो देखा, अरे उसका पति कह रहा, अरे मैं वही तो बताने वाला तुझको, मुझे भी यही दर्शन आया। मतलब प्रभु ने कंफर्म किया, पति पत्नी को प्रभु ने कंफर्म किया,
कि प्रभु की उपस्थिति उस जीवन नगर कैलवरी चर्च में है, इस साउथ एक्सटेंशन कैलवरी चर्च में है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए कितनी अच्छी बात, हालेलुया, कि धर्मी लोग, हालेलुया, जब प्रभु का दर्शन धर्मी लोगों को बताया जाता है, जाओ चर्च में, प्रभु के आत्मा से सिखाने से वो मंदिर में आया और वहां पे उसने यीशु मसीह का दर्शन लिया। आज आप भी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए हुए यहाँ पे आए हैं और आपको भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अपने आशीषों से भरने वाले हैं। बिना आशीष के यहाँ से एक भी नहीं जाएगा, हर एक जन प्रभु की आशीष लेके जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है। हालेलुया, आप उसके घर में आए हो, आप यीशु मसीह के घर में आए हो, कितनी खुशी की बात है। दूसरा व्यक्ति विधवा, एक विधवा थी उस समय, वो भी प्रभु के भवन में आई। और इस विधवा के बारे में लिखा गया है, हमारे चर्च में भी विधवाएं हैं और वो भी ऐसी पवित्र हैं, और वो भी जो है उनकी भी तुलना में इस विधवा के साथ करता हूं। सच में हालेलुया, हमारे कैलवरी कलीसिया की कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कोई पुरुष है, वो बहुत अच्छे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, बाइबल में लूका उसका दूसरा अध्याय 36 वचन से पढ़ रहा हूँ। और अशेर के गोत्र में से हनन्या नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी, वह बहुत बूढ़ी थी। कितनी बूढ़ी थी वह? बहुत बूढ़े लोगों को प्रभु प्यार करता है, चाहे बच्चे प्यार करे या ना करे। बहुत बूढ़ी थी, बूढ़े लोगों को बहुत प्रभु प्यार करता है, ऑफकोर्स जवानों को भी प्यार करता है, लेकिन बूढ़ों को भी प्रभु प्यार करता है। हालेलुया, मैं इस वचन को बड़े ध्यान से सुनते कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा हूँ। बूढ़े लोगो, हालेलुया, डरो मत, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमको प्यार करता है। जवानों डरो मत, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है। अरे कोई आमीन बोले ना, जवान बोल रहा है ना बूढ़ा बोल रहा है, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया, यस, बाइबल में लिखा है वो 84 साल से विधवा थी, 84 साल का उसकी आयु नहीं थी, 84 साल से वो विधवा थी, अपने पति के साथ सिर्फ 7 साल रही थी। 84 और 7 कितने हो गए? 91, माय गॉड। और कितने साल में उसकी शादी हुई होगी? 30 के 35, अभी तो 30-35 कर रहे थे, पहले तो बहुत जल्दी कर रहे थे, चलो 20 है ना, तो 91 प्लस 20 कितने हो गए? सेंचुरी ठोकी उसने, बोल दिया। क्या बात है, पूरे 100 साल से भी ज्यादा उम्र उसको मिल गई, क्या बात है, ताली बजाओ प्रभु के लिए। मैन प्रेज द लॉर्ड, उसके लंबी आयु की जो है क्या बोलते हैं उसको, गुप्त रहस्य बादाम काजू किशमिश नहीं थे, उसके लंबी आयु की जो है रहस्य ये था कि वो परमेश्वर के भवन में रहती थी, वो प्रार्थना करती थी, वो पवित्रता में रहती थी। हालेलुया, जिसको दीर्घायु चाहिए वो पवित्र रहे, व्यभिचार छोड़े, चोरी छोड़े, लालच छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस। अभी जो डेट भी नहीं बजा, लेकिन फटाफट लोग आने लगे, दूसरी तरफ आ गए, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते कि वो हालेलुया विधवा जो है 100 साल से ऊपर थी, और वो उसकी उसकी आदतें देखो ना, उसकी आदतें, पहली बात तो जो है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, हर बृहस्पतिवार आती होगी वो, हर शनिवार को आती होगी वो, हर महिलाओं की सभा में आती होगी वो, हर जो है उसको बताया गया अगर होगा कि जो है अपने जन्मदिन के दिन आ जाओ, तो जन्मदिन की भी आती थी वो, और हमेशा प्रभु के भवन में रहती थी वो। ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और ऐसे लोगों को बाइबल में क्या पता है, ऐसे व्यक्ति जो प्रभु के भवन को छोड़ देते हैं वो भविष्यवक्ता बन जाते हैं, वो एक भविष्यवक्ति है ना, जो है एक भविष्यवक्ति थी, भविष्यवाणी करती थी वो, और उसी घड़ी आकर वो प्रभु का धन्यवाद करने लगे, उसी घड़ी आना था उसको। ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई गई कि चल प्रभु के भवन में, वहां पे यीशु आया है, सारी दुनिया का उद्धार करता आया है, तू भी चल, तू भी चल। और वो जाके प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करती है, ये शिमोन दर्शन करता है, ये महिला की विधवा लिखा है, हालेलुया, वो बूढ़ी थी बहुत, और उसको प्रभु ने ले आया मंदिर में, और वो जो है प्रभु का धन्यवाद करने लगी। लिखा है वही खड़ी आकर प्रभु धन्यवाद करने लगी,
हालेलुया, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो देते उसके विषय में बातें करने लगी कि यही है वो यरूशलेम को छुटकारा दे सकता है, यही है वो जो सारी दुनिया को छुटकारा दे सकता है। वो प्रभु को धन्यवाद करने लगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे लिए आया, वो मेरे लिए आया, वो मेरे परिवार के लिए आया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के लिए चमत्कारता है। मैं जब हाथ रखता हूँ तो बड़े बड़े लोग चंगे चमत्कार छुटकारा होते हैं। हालेलुया, जब मैं किसी घर में जाता हूँ तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया, मैं उस दिन उस घर में गया, एक ने जो है ये लिया था, क्या फ्लैट लिया था, और वो फ्लैट लेने के बाद जो उसने कहा कि तुम्हारा चेक बुक चाहिए, वो बोले चेक बुक ही नहीं मिल रहा, उसे कहा रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। उसने कहा कि नहीं, जब वो जब तक चेक बुक नहीं आएगा तब रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो उन्होंने चेक बुक के लिए फटाफट एप्लीकेशन दिया, कितने दिन हुए चेक बुक आ ही नहीं रहा। वो करे कि नहीं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। जैसे मैं गया उनके घर में, और उनके घर में जाने के बाद में हमने प्रार्थना सभा ली, और प्रार्थना सभा लेने के बाद में मैंने आमेन भी नहीं कहा, टक 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 टक, अरे भैया तुम्हारा चेक बुक आ गया। और वो तो इतना लेके नाचने लगे भाई, जानी लारे चेकबुक आ गया, चेकबुक आ गया, अरे बाप रे चेकबुक आ गया। क्योंकि रजिस्ट्री होने वाली है। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर के लोग जिस जिस घर में जाते हैं वहां पे आशीष लेके जाता है। वो मनुष्य के कारण नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे अंदर है उसके कारण प्रभु की आशीष आती है। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते कि जो है वो परमेश्वर को, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। दूसरा व्यक्ति जो है वो विधवा। तीसरे लोग गडरिये। गडरिये मतलब कौन? चरवाहे। चरवाहे क्या करते हैं? अपने भेड़ों से प्रेम करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको भोजन देते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, यीशु सच्चा गडरिया है। देखो गडरिये के रूप, इसलिए प्रभु ने जब दर्शन दिया और स्वर्गदूत जो भेजे गए वो गडरियों के पास भेजे गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके घरों में गया था तो वहां पेपर में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोगों को बुलाया था और प्रार्थना हमने करी, लोगों को प्रभु के बारे में प्रचार किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपके आपका दिल जो है वो एक चरवाहे का दिल है, इसलिए आप लोगों को जीत पा रहे हैं। हालेलुया, चरवाहे का दिल होने के नाते आप जो है लोगों के लिए, लोगों को जीत रह पा रहे हैं, प्रभु की सेवकाई आप कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु के स्वर्गदूत जब आए तो वो चरवाहों के पास आए, क्योंकि उनका दिल जो है प्यार से भरा रहता है। हालेलुया, बाइबल में लिखा है लूका दूसरे अध्याय के 8 वचन में, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चलने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरणी में उस बालक को पड़ा देखा। वो कभी गए? तुरंत जैसे दर्शन मिला वैसे चले गए। और इस बात की गारंटी परमेश्वर के पास थी कि ये लोग तुरंत जाएंगे, दूसरे लोग बहुत बिजी है नहीं जा पाएंगे। आज परमेश्वर के लोगों, प्रभु बिजी लोगों को नहीं चुन रहा है, जिनके पास प्रभु की सेवा के लिए टाइम है उनको प्रभु चुनता है और उनको भविष्यद्वक्ता बनाता है, उनको अपने महान काम के लिए इस्तेमाल करता है, उनको अपनी इवेंजलिस्ट बनाता है, पास्टर बनाता है, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। कितनी बड़ी बात! परमेश्वर के लोगों, ये लोग एकदम तुरंत गए, तुरंत जाकर उन्होंने उस बालक का दर्शन ले लिया। हालेलुया, हमें चर्च में कैसे जाना है? थर्सडे प्रेयर में, जब महिलाओं की सभा में। कितना धीरे धीरे बैटरी डाउन हो रही है तुम्हारी। तुरंत ऐसी बैटरी डाउन मत होने दो, हर संडे लगातार चर्च में जाओ। हालेलुया, एकदम फुल चार्ज रहो प्रभु के लिए। आमेन, प्रभु हमारे लिए चमत्कार करता है, इसलिए हम फुल चार्ज रहेंगे। फुल चार्ज कैसे हो जाएंगे? हालेलुया, हर रोज बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? तुरंत
ऐसा नहीं चाहिए हमें, हो गया फुल चार्ज चाहिए प्रभु के लिए। हालेलुया, माय फैमिली, ये जो है गदरिया फुल चार्ज थे, पूरे चार्ज लोग थे, तुरंत गए वो। अरे उन्होंने काम भी छोड़ दिया, उन्होंने अपने सारे भेड़ों को जंगल में छोड़ दिया और वो चले गए। हम अपनी किचन छोड़ नहीं सकते जल्दी। आज मैं कहे चर्च जाऊं कि किचन, चर्च जाऊं कि किचन, चर्च जाऊं किचन। पास्टर आज नया, आज पानी नहीं आया था, पानी नहीं आया था, मैंने कहा फिर मैं पानी भर लू। अरे तो कोई तरीका है? परमेश्वर के लोग तुरंत, परमेश्वर तुरंत जाने वाले लोग चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस हालेलुया। मैं जाता हूँ लोगों घर में, बैठता हूँ, अभी तक नहीं आया। पास्टर जी अभी आ रही हूँ, एक रोटी रह गई है, खाओगे क्या आप? तो भैया ऐसे क्या कर रहे हैं आप? प्रभु की सेवा के लिए क्या चाहिए? तुरंत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर अगले अगले प्रकार के लोग हैं, वो ज्योतिषी। तो इसलिए आपको तुरंत जाना है। कहां पे जाना, तुरंत जाना है? अरे चार्ज हो गए नहीं हुए? चर्च में। वेरी गुड। और कहां पे? प्रचार के लिए। कैसे जाएंगे? यस। और प्रार्थना के लिए कैसे जाएंगे? आज क्रिसमस इतने सुंदर कपड़े पहन के आए, लेकिन क्या प्रभु के बारे में किसी को बताया आपने? यस। किसको बताया? अटोले को। ओह वेरी गुड, थैंक यू सच फॉर कमिंग, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। कितनी अच्छी बात ब्रदर ने बताया इनको लेके। तो हमें, हमारा काम जो है प्रभु के बारे में लोगों को बताना है। हालेलुया, यस। ज्योतिषी वहां पे आ गए और बाइबल में लिखा जो है वो सारे ज्योतिषी वहां पे आ गए। और ये ज्योतिषी जो है, देखो प्रभु ने अपने जन्म के बारे में सबको अलग अलग तरीके से बताया था। ज्योतिषियों को बताया था तारों के द्वारा, गड़रियों को बताया था स्वर्गदूतों के द्वारा, और वह सारे याजक शास्त्री फरीसी और हेरोदेस को बताया था बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, सबको बताया था। लेकिन लोग क्या थे? बहुत बिजी। लोगों को तो जो है फोन से जो है जल्दी छुटकारा नहीं मिलता था। नहीं मतलब आजकल की बात कर रहा हूँ, तो सुन रहे तो जो है लोग बिजी। हम प्रभु परमेश्वर के लिए बिजी कभी ना बने। प्रभु ने हमको जिंदगी दी है, हालेलुया। ये जिंदगी का क्या महत्व है, क्या मोल है, बाप रे बहुत ज्यादा मोल है, हालेलुया। कोई लोग जो है गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे मेरा भाग इतना है, इसका भाग इतना है, इसने बड़े भाई को, मेरे मम्मी ने बड़े भाई को इतना भाग दे दिया और इतना इसको भाग दिया और मुझे मिला नहीं और फलाना और धमका जो है। मैंने कहा भैया तुम जो झगड़ा कर रहे हो गलत है। आज प्रभु तुम्हें धन्यवाद देना चाहे कि तुम महामारी से बच के आए हो। एकदम हम हाँ पास्टर सही बात है। तुम जो है प्रॉपर्टी के लिए डर रहे हो, भाग रहे हो, एक दूसरे के ऊपर काट फाट कर रहे हो, कितनी गलत बात है ना। ये शैतान, ये लालच, ये दुष्ट आत्मा है, ये परिवार में तोड़ फोड़ लाती है, अलग अलग को तोड़ फोड़ लेता है। ये ज्योतिषी, ज्योतिष के बारे में बहुत सुंदर से लिखा है। ये ज्योतिषी जो है वहां पे आए है ना, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। ये ज्योतिषी, इनके बारे में मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो तारे का पीछा करते जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, तारे का पीछा। आप परमेश्वर के राज्य में तारा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके पीछे ये तारा है, जो है ब्रदर गिरीश और सिस्टर सविता तारा है, और इनके पीछे पीछे ये मेरी बहन आ गई है, और ये भी तारा है, और इनके पीछे भी, जब इनके लिए चमत्कार हो जाएगा तो इनके पीछे भी सारा परिवार आएगा। हम तारे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हमारा निशान ये है कि जहां पे यीशु मसीह है, जहां पे चर्च है, वहां पे लोगों को लाना है और उनको वहां पे नमन करने के लिए बोलना है कि आओ हम घुटनों पे जाए, आओ हम प्रार्थना करें और देखो प्रभु का चमत्कार कितना जबरदस्त है। हमारा प्रभु मुर्दा नहीं है, हमारा प्रभु जिंदा खड़ा हो जाए, कितना बड़ा चमत्कार। हमारा हालेलुया जो है वीर एकदम चंगा हो गया, पूर्णता छुटकारा प्राप्त किया। सिस्टर जो है आयरिस जॉन ने भी कहा, प्राप्ति की बेटी, उसको बहुत बुखार हो रहा था, डॉक्टर की दवाई ली थी लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन जब से प्रार्थना हो गई उसके बाद में बुखार नहीं आया। कितना बड़ा चमत्कार जो है, प्रियाना को प्रभु ने चंगाई दी। हमारा प्रभु मुर्दा नहीं है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, आप चक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। yeah.
हालेलुया। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप अपने समस्याओं को लाओ और देखो कि प्रभु कितना भला है। तो ये ज्योतिषी वहां पे आ गए, उन्होंने तारे का पीछा किया पहली बात, दूसरी बात वो प्रभु को प्रणाम करना चाहते थे, तीसरी बात उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया, चौथी बात उन्होंने भेंट चढ़ाई। कौन सी भेंट चढ़ाई? सोना लोहान गंधरस किचर भेंट चढ़ाई। और फिर बाद में उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, स्वप्न में आदेश आया था कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, किसी और दूसरे रास्ते से जाना, और वो किसी और दूसरे रास्ते से चले गए। और इसलिए प्रभु ने उनको आशीष दी ब्रदर, इसलिए प्रभु ने उनको ब्लेस किया। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह के जो है जंग के समय जितने लोग आए थे वो ये है। पहला व्यक्ति कौन था? शिमोन। फिर दूसरे विधवा, तीसरे गडरिये, चौथे ज्योतिषी। फिर स्वर्ग में भी सेलिब्रेशन हो रहा था, सेलिब्रेशन जैसे आज हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। केक लाया ना? यस, वेरी गुड। एक हाथ में केक और दूसरे हाथ में यस। 31 तारीख को भी ऐसा करना है। yes. एक हाथ में केक, एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में दो, कोई भी हाथ खाली रहने मत देना, कोई भी हाथ खाली मत रहने देना। और केक जब लाओगे तो वो जो है वो सूखे केक लाना, वो पेस्ट्री वाली मत लाना। चलो कोई बात नहीं, आपने लाया तो कोई बात नहीं। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है स्वर्गदूत, बोलिए स्वर्गदूत। हाँ, स्वर्गदूत कितने आनंदित, जो है हम ज्योतिषी बोल रहे हैं, तो ज्योतिषी ने कितने बड़े बड़े काम किए, बहुत जबरदस्त जो है वो प्रभु के पास आए। ये सबसे कोई कोई नोएडा से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, और कोई पता नहीं कहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि ये लोग जो है कितने नजदीक से नहीं, बहुत बहुत दूर से आए थे, किसी दूसरे देश से आए थे वो प्रभु को प्रणाम करने के लिए। हालेलुया। और प्रभु ने उनको आशीषित किया। हालेलुया। प्रभु ने उनको आनंदित किया। अब दूसरे प्रभु के वचन के अनुसार दूसरे देश, अभी स्वर्गदूत हम देख रहे हैं, स्वर्गदूतों ने भी पहले, अभी चार प्रकार के लोग हैं, एक है शिमोन, विधवा, गडरी है, ज्योतिषी, ये पृथ्वी पर के लोग। लेकिन अब अगली बात जो है, स्वर्ग में सेलिब्रेशन हो रहा था, स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत आनंद मना रहे थे, और स्वर्ग में से कुछ स्वर्गदूतों को आज्ञा दी थी कि जाओ और गडरियों को बताओ कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार बताने के लिए किन लोगों को काम दिया गया था? स्वर्गदूतों को। और स्वर्गदूत जो है वहां पे आए थे, स्वर्गदूत वहां पे आ गए, बाइबल में लिखा है लुका 2:9 में, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, देख क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरने में पड़ा पाओगे। तब एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जैसे प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो स्वर्गदूतों को क्या काम दिया था? क्या समाचार? किसका सुसमाचार? यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार सुनाने का काम स्वर्गदूतों को दिया गया था। हालेलुया। ये स्वर्गीय लोग हैं, उन स्वर्गीय लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए बताया गया था। आज कैलवरी चर्च के लोगों को क्या काम दिया है? सुंदर सुंदर कपड़े पहनने, सुंदर सुंदर केक लाने। सबसे पहला काम कौन सा है हमारा? सुसमाचार सुनाने का। प्रेज द लॉर्ड। और ये काम हमें करना है। हालेलुया। और इसलिए आज बहुतों ने बहुतों को सुसमाचार सुनाया, इसलिए आज प्रभु के भवन में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए और आज आप प्रभु की आशीष ब्लेसिंग लेके जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे सुसमाचार सुनाने का काम स्वर्गदूतों को दिया और स्वर्गदूतों ने वो काम पूरा कर दिया। तो पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हो रही थी। कुछ लोग तो डर रहे थे, जल रहे थे, कुड रहे थे यीशु मसीह के जन्म के कारण, लेकिन कुछ लोग आनंदित हो रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, गोद में ले रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। हेवन वॉज सेलिब्रेटिंग। सारा स्वर्ग जो है आनंद उठा रहा था क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आ गया है। हालेलुया। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आज का दिन सब लोग सेलिब्रेट करेंगे हम। हालेलुया। कोई गम लेके नहीं बैठेगा क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। अब सबको ये प्रभु यीशु का सुसमाचार बताएंगे, जिनको पता नहीं उनको बताएंगे कि यीशु मसीह आया है। और आपको और जानकारी चाहे तो L16 में आइए और यहाँ पे आराधना करिए। हालेलुया।
और आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा, वो है तारा। तारे को बताया था कि क्या बताया था, जिम्मेदारी क्या दी थी तारे को? तारा जीवित प्राणी है क्या? तारा जीवित प्राणी है, फिर भी वो प्रकाश दे 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 उनको रास्ता दिखा दे देता दे। जो यीशु जहां जन्म हुआ था वहां पे वो ले गया। हालेलुया। आप हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के तारे हो, आपके पीछे बहुत सारे लोग आएंगे। आमेन। लेकिन आपको प्रकाश चमका चमकने देना है। यीशु का तारों का प्रकाश कैसा होता है? सूर्य जब उनके ऊपर चमकता है तो वही सूर्य का प्रकाश वो परिवर्तित करता है। आज मैं कुछ नहीं हूं, प्रदीप गायकवाड़ कुछ नहीं है, प्रभु यीशु का प्रकाश मेरे ऊपर चमकता है और वही प्रकाश मैं आपके ऊपर चमकाता हूं। वही चमत्कार आपके ऊपर होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा जो चमत्कार मैंने किए उसे बड़े बड़े चमत्कार तुम करोगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो ये तारा जो उनकी अगुवाई करने लगा, बाप रे हालेलुया, और वो अगुवाई करता गया। लेकिन इन लोगों ने जो है क्या कर दिया, गलती करी। उन्होंने जब यरूशलेम आ गए तो वो जो है राजमहल में घुस गए। उनको लगा कि यहाँ पे राजा होगा, लेकिन राजा वहां पे नहीं था। राजा कहाँ पे था? चरणी में था। वो हमारे दरिद्र बना ताकि उसके दरिद्र होने के द्वारा हम लोग अमीर हो जाए। जो यीशु मसीह को मानता है वो अमीर होता है। लोग कहते कि ये चर्च के द्वारा इनको पैसा दे जा रहे, चर्च के द्वारा उनको पैसा दे रहे। देखो उनके पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई। देखो उनके पास घर नहीं था, घर आ गया। कैसे 6 लाख रुपए जो है क्या कर्जा कैसा निपटाया उन्होंने, जरूर चर्च से कोई लाखों रुपए दे रहे हैं। इनको फॉरेन से मदद आ रही है। हालेलुया। फॉरेन से नहीं आ रही है, स्वर्ग से आ रही है। हालेलुया। मैं किसी को पैसा देता नहीं, बल्कि मैं पैसा मांगता हूँ, भैया आओ इधर, ये सब कुछ करने के लिए पैसा दे दो। हालेलुया। और आप देते हो और आपका बढ़ता जाता है। आप देते हो और आपका बढ़ता जाता है। हालेलुया। ये तारा उनकी अगुवाई करता गया। आप प्रभु यीशु मसीह के तारे हो प्रियो। हालेलुया। और आपको बहुतों को प्रभु के भवन में लाना है। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। बाइबल में तो बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैं हालेलुया यहाँ पे समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। और एक और थोड़ा सा पूरा कार्यक्रम जय बच्चे का आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आज यीशु मसीह मैं चाहूंगा कि आपका ये वचन पूरा आपके मन में रहे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण शैतान क्या हो गया? घबरा गया, डर गया। आपको जब आशीष मिल जाती है तो शैतान डर जाता है, घबरा जाता है, भैया इनको आशीष मिल रही है। फिर किसको अच्छा लगा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन? पहली बार शिमोन, फिर विधवा, फिर मेडरिया, फिर ज्योतिषी, पृथ्वी भी ऐसे थे। स्वर्ग में जो है बहुत जबरदस्त क्या खुशियां चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था। उसमें से कौन था? स्वर्गदूत। और आकाश में कौन था? तारा। वो तारा क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की अगुवाई कर रहा था उन लोगों को। हालेलुया। तो आज हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आज आप भी प्रभु के लिए तारा बने, लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। घर जाने के पहले इतने सुंदर कपड़े पहने आपने, घर जाने के पहले 2-4 लोगों को प्रभु के बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया। नहीं तो हमारा इतना सुंदर कपड़ा पहनना व्यर्थ हो जाएगा, इतने सुंदर सुंदर केक खाना व्यर्थ एकदम। प्रभु कहेगा व्यर्थ ही व्यर्थ। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो सारा किया धरा पानी फिर जाएगा। तो इसलिए बिना जो है प्रभु के बारे में बताएं आप घर में जाएं। आइए हम दुआ करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए और तेरी पवित्र आत्मा इस जगह पर बढ़ने लाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तू उच्चा किया जाए। प्रभु जी इस बड़े दिन का बड़ा आनंद, बड़ी खुशी हमारे जीवन में आए। सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु। हर एक जन को आज आशीषित कर, हर एक जन को आज शांति दे, हर एक जन की जरूरतें पूरी कर। हालेलुया। अपने सिर पे हाथ रखिए, मेरे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, मेरे धर्मों को माफ कर, मुझे आशीष दे, मेरी चिंता को तू जानता है, सारी चिंता दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मुझे शांति दे प्रभु, मुझे आनंद दे प्रभु, बंधनों को तोड़ दे। मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, अपने पापों को छोड़ देता हूँ, अपने लहू से मुझे धो के साफ कर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, उसे कबूल कर देता हूँ। आमेन। अपने हाथों उठा के प्रभु धन्यवाद है।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।